हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 26 अप्रैल 2018 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज। साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी वीडियो में कवर करता हूँ, साथ ही विस्तार से चर्चा करता हूँ। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आजकल ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और लास्ट में एक करंट अफेयर्स की क्विज भी है, उसको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें, जो लोग पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में भी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो शेयर भी करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की क्विज का। भारत की पहली ई कॉमर्स थिंक टैंक का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों, भारत की पहली ई कॉमर्स थिंक टैंक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। देखिए दोस्तों, वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में पहली ई कॉमर्स थिंक टैंक बैठक आयोजित की और इसकी अध्यक्षता की उन्होंने, जिसका लक्ष्य क्या था, ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना था। और दोस्तों, इस ई कॉमर्स थिंक टैंक की स्थापना और मंत्रालय द्वारा की गई पहल को सरकार के रूप में भली भांति व्याख्याकित किया जा सकता है। दोस्तों, भारत की पहली ई कॉमर्स थिंक टैंक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? दोस्तों, हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ जो है तो 125 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। देखिए दोस्तों, नई दिल्ली में विश्व बैंक के साथ समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवोन्वेष हेतु US 125 मिलियन डॉलर IBRD क्रेडिट के लिए एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। परियोजना का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी नवाचार और स्थानीय उत्पाद का विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जिम योम किम, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में जिम योम किम है और इसका मुख्यालय है Washington DC में। कहाँ पर? Washington DC में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों, IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका भी आपको फुल फॉर्म जाना जरूरी, पूछ लेता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हाल ही में भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? 125 मिलियन डॉलर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बिना परमिट के कितने राज्यों की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है? दोस्तों, गृह मंत्रालय ने बिना परमिट के जिन राज्यों की यात्रा करने की अनुमति प्रदान की, तो उनमें से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये तीनों हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो 6 दशक पुरानी संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को 5 साल के लिए विराम लगाने का निर्णय लिया है, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के अलावा विदेशी पर्यटकों को अब देश के कुछ सबसे प्राचीन स्थानों पर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, ठीक है। विदेशी आदेश 1958 के तहत कुछ राज्यों में आंतरिक रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आने वाले क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्रों में दोस्तों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम भी शामिल थे। तो अब इनको जो है तो अनुमति प्रदान की गई विदेशियों के पर्यटन के लिए। तो देखिए दोस्तों, मणिपुर की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं नोंगथोम्बन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में ललथन हलवा, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा, और नागालैंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यूरियो और गवर्नर पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य। तो ये सब आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत मंगोलिया संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों, भारत मंगोलिया संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता सुषमा स्वराज ने की है। देखो दोस्तों, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उलन बटोर मंगोलिया में समकक्ष दमदीन च्योकबातर के साथ भारत मंगोलिया संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के 6वें दौर की अध्यक्षता की। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, जो मंगोलिया की राजधानी है वह उलन बटोर, मुद्रा मंगोलियन टोग्रोग और प्रधानमंत्री उखागनी खुरेलसुस, ठीक है। तो वहाँ के PM है और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बटोर। तो भारत मंगोलिया संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की? सुषमा स्वराज ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष जो है तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया नियंत्रित करने और दुनिया भर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक प्रयास को पहचानने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, जो इस साल के मलेरिया दिवस का विषय है वो है रेडी टू बीट मलेरिया, ठीक है। क्या विषय है ये भी पूछ लिया जाता है, विषय क्या था? तो मलेरिया दिवस का इस साल का विषय था रेडी टू बीट मलेरिया, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कल की क्विज का हम आंसर देख लेते हैं।
कल मैं जो क्वेश्चन पूछा था, 2018 के लिए घोषित पुलित्जर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता अवार्ड के लिए चुना गया, उसका आंसर दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है, काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया था, कुछ लोगों ने गलत भी दिया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स। अब दोस्तों आज देख लेते हैं आज की क्विज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आज की क्विज का क्वेश्चन दोस्तों, 100% नवीनकरणीय ऊर्जा संचालित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है दीव, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। ये आपको कमेंट करके बताना है, ज़रूर बताना है। यदि आपने हमारी अभी वीडियो देखी हुई करंट अफेयर्स की, तो आपको आंसर 100% पता होगा। तो आप सबको आंसर पता होगा दोस्तों, ज़रूर जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।